हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों को दुर्गा पूजा से रिलेट करके कम से कम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूर बताएं। तो बस ये बहुत इजी लैंग्वेज में 10 लाइनें तैयार की हैं बच्चों के लिए और स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश की बताने में और समझाने में, जो चाह के भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और उनको प्रॉब्लम आता है। तो पूरी कोशिश है इस एस्से में मेरी कि मदर्स को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी हो, बहुत ईजिली वो बच्चों को इंग्लिश में बता सकें, सुना सकें और समझा सकें। नंबर वन, दुर्गा पूजा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल फॉर हिंदू। हिंदू लोग के लिए यह बहुत ही धार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा। इट इज़ अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ 9 डेज। ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है 9 डेज का, यानी 9 दिनों का। नंबर थ्री है, वी वर्शिप गॉडेस दुर्गा 9 डेज कंटिन्यूसली। ज़रूर बच्चों को हिंदी में भी समझाते चले कि इन दिनों जो 9 दिन होते हैं, इसमें हम लोग कंटिन्यूसली यानी लगातार माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं। इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि ये अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का सेलिब्रेशन होता है, ये एक सिंबल है। On this occasion, people like to wear new clothes, go to fair and brings sweets, toys and many more. इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और मेले में घूमने जाते हैं और बहुत सारी खिलौने और मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। Many sculptures make so beautiful statues of goddess Durga. ज़रूर बच्चों को बताइए कि माँ दुर्गा की इस दिन जो मूर्तिकार होते हैं बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। द आर्टिशियन स्टार्ट बाई मेकिंग अ बैम्बू फ्रेम फॉर द आइडल। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो बैम्बू यानी बांस के जो फ्रेम होते हैं उसी से ये लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। इन दुर्गा पूजा मैनी पंडाल्स आर क्रिएटेड बाई माइग्रेंट वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही मेहनत से, सच में उनकी बहुत मेहनत दिखती है जब हम लोग पंडाल घूमते हैं, तो ज़रूर बच्चों को बताइए कि बहुत सारे पंडाल उनके द्वारा बनाए जाते हैं इस दुर्गा पूजा में। पीपल सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल बाई ऑर्गेनाइजिंग मैनी प्रोग्राम्स लाइक डांडिया डांस एंड गरबा सॉन्ग। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि डांडिया डांस और गरबा सॉन्ग जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं और इस पूजा का सेलिब्रेशन किया जाता है। और सबसे लास्ट में है, एट द एंड मूर्ति विसर्जन एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट वर्शिपिंग माँ दुर्गा ब्रिंग्स प्रॉस्पर्टी एंड डिस्ट्रॉय ऑल द इविल्स। यानी कि सबसे अंत में मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और ऐसा विश्वास रखा जाता है कि माँ दुर्गा की जो हम लोगों ने पूजा की है उससे हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी समृद्धि आएंगी और सारी बुराइयों का अंत होगा। लास्ट में आशा करती हूँ कि ये बहुत ही पसंद आया होगा आप लोग को, समझ में भी आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा।